नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिले में पदस्थ जिला पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह राजपूत ने पंचायती राज न्यूज मंडला के ब्यूरो चीफ संत कुमार ठाकुर को विशेष मुलाकात में बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस थानों और पुलिस चौकी के प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय ग्राम सुरक्षा समितियों और प्रबुद्ध नागरिकों समाज सेवियों के साथ बैठकें आयोजित कर समूचे क्षेत्र में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था शांति बनाए रखने के सख्त कदम उठाए जाएं। थानों चौकियों में लंबित प्रकरणों की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। ग्रामीण अंचलों नगरीय निकायों में त्योहारों के चलते सर्चिंग बाहरी आने जाने वाले यात्रियों और अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब, नशा के कारोबार और जैसे तमाम गलत कार्यों में संलिप्त कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। जहां पर भी ऐसे अवैध कारोबार की जानकारी प्राप्त होती है उसके खिलाफ संबंधित क्षेत्रों के सभी पुलिस थानों पुलिस चौकियों में पदस्थ प्रभारियों को न्याय संगत निष्पक्ष कार्यवाही सतत रूप से किया जा रहा है। मंडला जिला शांतिप्रिय जिला है, यहां पर संगीन अपराधों का ग्राफ कम है। श्री यशपाल सिंह राजपूत पुलिस अधीक्षक मंडला ने आगे बताया कि यहां पर अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही कर न्यायालय में मामला नियमित प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान काना किसली के ग्राम पंचायत मोचा के प्रांगण में दिनांक 10 अक्टूबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 तक काना में बहार कोदो कुटकी त्योहार का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें पौष्टिक आहार का प्रदर्शन किया गया है। इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्व सहायता समूह को बढ़िया रोजगार उपलब्ध होगा। पुलिस व प्रशासन की तरफ से यातायात की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, हमने पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, नाकाबंदी है, हर प्रकार की व्यवस्थाएँ लगाई गई हैं। और खास करके मैं और लोगों को भी सलाह देने की कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। सर, अभी कान्हा में बाहर कोदो कुटकी त्यौहार जो शासन वहां पर 7 दिवसीय मेला लगा है, उसके पीछे मंशा क्या है? शासन की मंशा ये है कि जो अपनी संस्कृति है, जो मंडला की आदिवासी संस्कृति है, तो जो पहले जो लोग कैसे जीवन यापन करते थे और स्वस्थ रहते थे, तो उनके जो अनाज हैं, जो मोटे अनाज हैं, खास करके आजकल वर्तमान में जो मोटे अनाज हैं उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है और विदेशों में भी और जो बड़े शहरों में काफ़ी डिमांड है, तो उसको जागरूक करने के लिए कोदो कुटकी त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। सर, अभी सभी चूँकि पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी चौकी थानों में जो पुराने मामले उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? अपने जो पुराने जो मामले हैं, जो ट्रेंडिंग मामले हैं, उनको सभी थाना प्रभारी चौकी प्रभारी को निर्देशित किया है कि उसको शीघ्र से निकाल करें।